गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप जो आपको काम दिया जा रहा है रोज, आप सब अच्छे से कर रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। समझ में आ रहा है सारा काम आप सभी को? चलिए आज हम मैथ्स का नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 3 सब्ट्रैक्शन। लास्ट लेसन में हमने एडिशन सीखा था, जोड़ना, नंबर्स को जोड़ना। इस लेसन में हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना, कम करना। किसी में से हम कम किस तरह करते हैं, जोड़ना हमने सीख लिया, चलिए अब कम करना भी सीखते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम, चैप्टर 3 सब्ट्रैक्शन अप टू 9। तो 9 तक सब्ट्रैक्शन किस तरह की जाती है वो हम सीखने वाले हैं आज, ध्यान से देखिएगा। चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल। What if Humpty was sitting with two other Dumpties? आप सभी ने सुनी है ये पोयम, राइम। Humpty Dumpty sat on a wall, मतलब Humpty Dumpty दीवार पर बैठा। Humpty Dumpty had a great fall, और Humpty Dumpty गिर गया। चलिए अगर मान लीजिए अगर Humpty के साथ दो और Dumpty दीवार पर बैठे हुए थे और Humpty गिर गया, तो दीवार पर, वॉल पर अब कितने लोग बैठे हुए हैं, कितने डम्प्टीज बचे? जब हम्प्टी बैठा तो 3 हो गए, हम्प्टी मिला के और दो और। अब जब हम्प्टी गिर गया, एक गिर गया, तो कितने बचे? 2 बचे। चलिए, दिस इज द सिंबल ऑफ माइनस, इट मीन सब्ट्रैक्शन। देखिए माइनस का सिंबल क्या होता है, ये वाला, ये माइनस का सिंबल होता है। इसका क्या मतलब होता है? सब्ट्रैक्शन, घटाना। जहां भी आपको ये सिंबल दिखाई दे, इसका क्या मतलब होता है? घटाना। और जहां आपको ये सिंबल दिखाई दे प्लस का, इसका क्या मतलब होता है? ऐड करना, जोड़ना। क्लियर? तो 2 इज द डिफरेंस ऑफ 3 एंड 1। 3 और 1 में से माइनस, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। बा बा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल? ब्लैक शीप, ये बताओ क्या तुम्हारे पास कोई वूल है, कोई ऊन है? यस सर 3 बैग फुल। यस सर 3 बैग भरे हुए हैं। इफ 2 बैग्स आर यूज्ड फॉर स्वेटर, हाउ मैनी आर लेफ्ट? अगर उन 3 बैग में से 2 स्वेटर, 2 बैग हमने स्वेटर बनाने में यूज कर लिए, तो कितने बैग बचे? 1 बैग बचा। टोटल 3 बैग्स थे, 3 में से एक हमने यूज कर लिया और दूसरा भी हमने स्वेटर बनाने में यूज कर लिया, तो कितने बचे? 1 बचा। ठीक है, आगे सब्ट्रैक्शन बाय क्रॉसिंग आउट। चलिए सब्ट्रैक्शन करना सीखते हैं हम, कि सब्ट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है। सबसे पहला मेथड सब्ट्रैक्शन बाय क्रॉसिंग आउट। इससे पहले भी एक और मेथड है, वो देख लेते हैं हम पहले। तो चलिए सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, सब्ट्रैक्शन बाय टेकिंग। टेकिंग मतलब लेना, कि अगर आपके पास कुछ है उसमें से अगर कुछ किसी ने ले लिया, उस चीज़ से सब्ट्रैक्शन किस तरह हम सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। काउंट एंड राइट, यहाँ पे देखिए काउंट करना है और राइट करना है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 चॉकलेट है। अब देखिए टेक अवे, टेक अवे मतलब ले लेना। कितनी ले ली इसमें से? 1 2 2 हमने ले ली, तो कितनी बची? लेफ्ट मतलब बचा हुआ, तो कितना बचा हमारे पास? 1 2 3 4, यहाँ आ गया 4। ऐसे ही अगले पे आइए, देखिए कितनी बॉटल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉटल्स हैं। टेक अवे, कितनी बॉटल्स ले ली इसमें से हमने? 1 2 2 बॉटल्स ले ली, तो कितनी बची? 1 2 3 4 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितनी फिश हैं, 1 2 3 4 5, 5 फिश हैं यहाँ पे। टेक अवे, कितनी फिश निकाल ली हमने? 2 फिश हमने बाहर निकाल ली, तो कितनी फिश बची? 1 2 3। क्लियर,
कितनी फिश बची हमारे पास? थ्री। आगे बढ़ते हैं, तो ये आप अपने आप करिएगा। देखिए सेवन फ्लैग्स हैं बच्चे के पास, इसमें से फोर फ्लैग ले लिए, तो उसके बाद कितने फ्लैग बचे? वन टू थ्री। क्लियर। अब देखिए दूसरा मेथड देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन करने का, सब्ट्रैक्शन बाय क्रॉसिंग आउट, मतलब जितने यहाँ जितने हमने देने हैं उनको हम क्रॉस कर देंगे, तो बताना है कि कितने बचे। देखिए यहाँ पे लिखा है सेवन माइनस थ्री, देखिए सेवन ब्रिंजल है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो माइनस थ्री मतलब थ्री उसमें से हम कट कर देंगे, वन टू थ्री हमने कट कर दिए, तो कितने ब्रिंजल बचे हमारे पास? वन टू थ्री और फोर, तो फोर हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही अगला, टोटल कितनी कैप्स हैं ये? एट। एट में से हमें कितनी माइनस करनी है? थ्री माइनस करनी है, तो थ्री कैप्स हम काट देंगे, वन टू थ्री कैप्स हमने काट दी, तो बाकी कितनी कैप्स बची हमारे पास? वन टू थ्री फोर फाइव कैप्स बची, तो यहाँ आ जाएगा फाइव। इसी तरीके से आप ये वाला भी कर लेंगे, टोटल कितने रोजीज हैं? एट। एट में से आपको फाइव कट करना है, तो बताइएगा कितने आ जाएंगे, यहाँ लिख दीजिएगा। उसी तरह से यह भी आप लोटस, फाइव में से फोर हम कट कर देंगे, तो कितने बचेंगे हम यहाँ लिखेंगे। उसी तरीके से देखिए ये वायलिन है, नाइन वायलिन हैं ये, कितने कट करने हैं हमें? वन, वन कट कर देंगे, बाकी सबको काउंट करके यहाँ लिख देंगे। कितने लैम्प्स हैं? फोर। फोर में से कितने कट करने हैं? टू, बाकी जो बचा काउंट करके हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ देखिए कितनी काइट्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन काइट्स हैं, सेवन में से फाइव कट करनी है, वन टू थ्री फोर फाइव, जितनी बची काउंट करके हम यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही कप्स के साथ करेंगे, नाइन कप्स हैं, इसमें थ्री कप्स हम काट देंगे, जितने बचे हैं यहाँ लिख देंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन और नंबर स्ट्रिप। तो पहले हमने सब्ट्रैक्शन देखा टेक अवे निकालने से, फिर सब्ट्रैक्शन हमने देखा कट करके, अब सब्ट्रैक्शन हम देखते हैं नंबर स्ट्रिप पे, नंबर लाइन पे किस तरह हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। टू फाइंड सिक्स माइनस फोर, पुट योर फिंगर ऑन सिक्स एंड देन मूव द फिंगर फोर स्पेस बैकवर्ड। अब देखिए कोई नंबर लाइन दे रखी है हमें, ये नंबर लाइन दे रखी है वन से लेकर नाइन तक, हमको क्या करना है? सिक्स माइनस फोर, तो आप अपनी फिंगर सिक्स पे रखेंगे, हमने सिक्स पे अपनी फिंगर रख ली, उसके बाद फोर स्टेप्स, स्टेप्स मतलब कदम, चार कदम हम पीछे जाएंगे, वन टू थ्री फोर, तो चार कदम पीछे चले गए हम, कहाँ पहुँच गए? टू, तो टू हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए टू आ गया। ऐसे ही अगला, टू फाइंड द नाइन माइनस सिक्स, हमें नाइन माइनस सिक्स करना है, तो हम नाइन पे जाएंगे, सबसे पहले अपनी फिंगर नाइन पे रखेंगे, फिंगर नाइन पे रख के कितने स्टेप्स पीछे जाएंगे हम बताइए? कितने स्टेप्स? सिक्स स्टेप्स। चलिए सिक्स स्टेप पीछे चलते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स स्टेप पीछे चल गए और हम कहाँ पहुँच गए? थ्री पे, तो थ्री हमारा हो गया आंसर। क्लियर। चलिए फिर ये करिएगा आप अपने आप, यहाँ पे देखिए एट माइनस थ्री, एट पे फिंगर रखी और थ्री स्टेप्स पीछे, वन टू थ्री, कहाँ पहुँच गए हम? फाइव पे। ऐसे देखिए यहाँ पे फिंगर हम रखेंगे एट पे और कितने स्टेप पीछे गए? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हम एट में से सिक्स स्टेप पीछे गए और हम कहाँ पहुँच गए? टू पर। तो एट से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, और कितने स्टेप्स पीछे गए हम? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स स्टेप पीछे गए और कहाँ पहुँच गए हम? टू पर।
वैसे ही चलिए यहाँ पे करते हैं, तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फिंगर सिक्स से, तो यहाँ आ जाएगा सिक्स, और कितने स्टेप्स पीछे जा रहे हैं हम, वन टू थ्री स्टेप्स पीछे गए, कहाँ पहुँच गए हम, थ्री पर, तो यहाँ आ जाएगा थ्री, थ्री स्टेप्स पीछे गए और कहाँ पहुँचे, थ्री पर, जहाँ पहुँचेंगे वहाँ ये लिख देंगे। क्लियर हुआ आप सभी को सब्ट्रैक्शन किस तरह करना है? चलिए ये तीन चार पेज आप कंप्लीट करिएगा अपनी बुक के अंदर, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम मंडे को, अब तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।